को नाम छोड़े दुश्मन को नाम ले रही है। श्रोता बंधुओं, आज प्रहलाद ने देखा है एक बर्तन बनाने वाली कुमारी जो कि भगवान का नाम ले रही है, तो प्रहलाद आगे बढ़कर के उस कुमारी से कहते हैं, अरे बुढ़िया तू हमारे बैरी का नाम क्यों ले रही है? तो वो कुमारी रोकर के कहने लगी है, बेटा तुम्हारा पिता नकली भगवान है और मैं असली भगवान का नाम ले रही हूँ। प्रहलाद कहने लगे, बुढ़िया ये तेरा क्या मतलब है? अरे मेरा पिता नकली भगवान क्यों है और जिसका नाम तू ले रही है वो असली भगवान क्यों है? तो कहने लगी है कुमारी, बेटा इस अबे में चार बिल्ली के बच्चे जीवित दब गए हैं और मैं असली भगवान को इसलिए बुला रही हूँ कि भगवान आकर के उन बच्चों के प्राणों की रक्षा करेंगे और तुम्हारे पिता इन बच्चों के प्राणों को नहीं बचा सकते हैं क्योंकि वो नकली भगवान है और हमें पूर्ण विश्वास है कि भगवान इन बच्चों के प्राणों की रक्षा करेंगे। प्रहलाद कहने लगे, यदि ऐसा नहीं हुआ तो? कुमारी कहने लगी, आप जो कहोगे मैं वो मानने के लिए तैयार हूं यदि ऐसा नहीं हुआ। प्रहलाद कहने लगे हैं, यदि चारों बिल्ली के बच्चे जीवित बच गए तो मैं भी उसी राम के नाम का दीवाना बन जाऊंगा, मैं भी राम का नाम लूंगा और यदि ये बच्चे जीवित नहीं बचे तो तुझे ही नहीं बल्कि तेरे बच्चों को भी फांसी लगवा दूंगा, ये बात मंजूर हो? तो जवाब दिया, बेटा हमें तेरी बात मंजूर है लेकिन मैं राम का नाम लेना नहीं छोड़ सकती हूँ, ये असली भगवान है। श्रोता बंधुओं, प्रहलाद वहां से चले जाते हैं और कुमारी रो रो करके भगवान को याद करने लगी है, हे प्रभु हे केशव आकर के हमारी लाश को बचाइए, हे मुरली मनोहर श्याम। कुमारी करे पुकार रे, तेरा सुनो करता रे, तो कैसे दबी गए आवामी बिल्ली के सुतचारी रे।
तार रे तेरा सुना कर तार रे धोखे से दबी गए अबानी दिल्ली के सुतचार रे कुमारी रात भर राम का नाम लेती रही। जब सुबह हुआ है तो प्रहलाद जब विद्यालय के लिए चले हैं तो सोचने लगे हैं लाओ देखते चले क्या कुमारी का राम आया अन्यथा नहीं आया। पहुंच जाते हैं प्रहलाद, जवाब दिया रही बुढ़िया तुझे पूरी रात्रि हो गई रोते रोते लेकिन वो तेरा राम नहीं आया। जवाब दिया बेटा आएंगे प्रभु अवश्य ही आएंगे।